तो इस वक्त हम आ चुके हैं अपने स्कूल में। ये है मेन एरिया, एक्चुअली वो एरिया जहाँ से स्टूडेंट्स एंटर नहीं करते। अभी जाना किस तरफ है ज़्यादा आइडिया नहीं, तो पहले वो देख लेते हैं। हाँ, यही होना चाहिए, खुला है शायद, पता नहीं। तो इस वक्त आ गए हैं स्टूडेंट सेक्शन से बाहर और ले ली है अपनी मार्कशीट। अभी चलेंगे, थोड़ा सा स्कूल का टूर करेंगे और देखते हैं क्या हाल है। आखिरी बार, शायद आखिरी बार इस तरफ। और ये हमारा क्रिकेट का की सारी प्रैक्टिस पिचेस, यहाँ पर हम क्रिकेट खेला करते थे। और ये मैं क्या देख रहा हूँ इसके बारे में ज़रा भी आइडिया नहीं था। इन्होंने पूरा ग्राउंड खोद दिया है और पता नहीं कुछ और नया बना रहे हैं। यहाँ पर रोड बना रहे हैं, मतलब पता नहीं, नो आइडिया। तो जूनियर से पूछना पड़ेगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ, ये हमारे विंग का नया पार्ट है जो कि हमारे सामने इनॉग्रेट हुआ था। उसके बाद ये एरिया काफ़ी स्पेशल एरिया है हम सभी के लिए। और अभी हम जा रहे हैं असेंबली ग्राउंड की तरफ, जहाँ पे सीनियर विंग्स की असेंबली होती है, सीनियर विंग की असेंबली होती है। सॉरी, मेरी टंग फंस गई, बोलिए। और बहुत स्पेशल है उस तरफ, वहाँ पर एक क्रिकेट ग्राउंड है, बहुत बड़ा सा स्टेडियम है क्रिकेट के लिए। फिर सामने लॉन टेनिस, सामने असेंबली ग्राउंड जहाँ पर इवेंट्स भी कवर किए जाते थे। मैं आ चुका हूँ दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर का। यहाँ पे बोर्ड है, पता नहीं इन्होंने पेंट कर दिया या फिर शायद बैनर को हटा दिया होगा, इसके ऊपर था। यहाँ पे हम लगा करते थे असेंबली में। काफ़ी खौफनाक यादें भी जुड़ी हैं, काफ़ी अच्छी प्यारी यादें भी जुड़ी हैं। खौफनाक यादें ऑब्वियसली टर्नआउट को लेकर, नाखून बड़े तो नहीं, बाल बड़े तो नहीं वो सारी बातें। सामने है हमारा जूनियर विंग, फोर्थ एंड फिफ्थ क्लास। फिर है वहाँ पर मिडिल विंग, सिक्स सेवन्थ एट्थ। एंड एक्चुअली सबसे ज़्यादा अच्छी यादें अगर हैं तो वो है मिडिल विंग के साथ में, सबसे बेस्ट विंग थी हमारे लिए। सामने लॉन टेनिस कोर्ट, जहाँ पर कुछ ऐसी यादें नहीं क्योंकि मैंने कभी लॉन टेनिस खेला नहीं, बट हाँ मैं पनिशमेंट में यहाँ पे बंद ज़रूर कर दिया करते थे, खैर। वहाँ पर दूर में क्रिकेट का ग्राउंड, यहाँ पर प्रैक्टिस पिचेस और वहाँ पर ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग, अगर मैं दिखा सकूँ, ऑब्स्टेकल ट्रेनिंग का भी एक कोर्ट है। और यहाँ पर अभी इन्होंने पता नहीं क्या कंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया है, अभी नो आइडिया मुझे इसके बारे में, वो तो खैर जूनियर से पूछना पड़ेगा। ये हमारी सीनियर विंग, 9th, 10th, 11th, 12th। अब चलते हैं कैंटीन ग्राउंड की तरफ, थोड़ा वहाँ का भी नज़ारा लेते हैं। ये हमारा बैक स्टेज एरिया, यहाँ पर बैठ के बहुत गप्पे लड़ेंगे। और ये हमारा कैंटीन ग्राउंड, यहाँ पर बैठ के काफ़ी लंच किया है सीनियर विंग का नया पार्ट। और ये हमारा बैम्बू गार्डन, इन बेंचेस पर हम तभी बैठते थे जब धूप हमारे लिए फ्रेंडली हो, यानी कि ठंड के मौसम में। और ये बड़ा सा ग्राउंड, हाँ यहाँ बहुत सी यादें हैं, खासकर इस बैम्बू एरिया में। और ये हमारा कैंटीन एरिया, कैंटीन एरिया सामने लगकर भीड़ में घुस घुस के साइड से धक्के मार मार के बहुत खाया है। हालांकि आखिरी कुछ सालों में वो चीज़ भी बंद हो गई थी क्योंकि मन नहीं करता था। उसके बाद ये आगे का एरिया, ये हमारी प्री प्राइमरी विंग, अगर आपको पेड़ों के पीछे नज़र आए, ये हमारी प्री प्राइमरी विंग है। वीडियो थोड़ी शेक हो रही होगी, आई डोंट नो। उसके बाद हमारा वो बस एरिया, जहाँ पर फ़िलहाल एक ही बस खड़ी है, वहाँ तक तो मैं जाऊँगा नहीं, अड़ा यादें काफ़ी हैं। हाँ, प्री प्राइमरी विंग मैं कभी गया नहीं ऐसा, क्योंकि मैंने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया था, तो ज़्यादा आइडिया नहीं है और ज़्यादा कुछ तो पता नहीं है इसके बारे में। यादें मेरी हैं वहाँ
प्राइमरी विंग के साथ, और जूनियर विंग, मिडिल विंग एंड ऑब्वियसली सीनियर विंग। यही वो एरिया है जिससे विंग में घुसा करते थे, जिससे विंग से बाहर आया करते थे। इस एरिया से हम गेम्स पीरियड के लिए जाया करते थे इसी लॉन से, और इधर से वापस विंग की तरफ, उधर हमारी क्लासेस है। थोड़ा सा चलो देख ही लेते हैं जाकर। अभी हम चलेंगे वापस थोड़ा सा उस तरफ शायद। ये एरिया पर्टिकुलरली काफ़ी यादगार है क्योंकि यहाँ से आते वक्त हमें पनिशमेंट भी मिल चुकी है, यहाँ पर खड़ा किया गया था। और यहाँ से हम गेम्स पीरियड के लिए जाते थे, असेंबली के लिए जाते थे, काफ़ी यादें हैं। फिलहाल हम स्टेडियम की तरफ आ गए हैं, और ये हमारा लॉन टेनिस कोर्ट, यहाँ पर हमें बंद कर दिया जाता था। उसके बाद ये एरिया जाता है DPS रानीपुर के स्टेडियम की तरफ, और उन्होंने क्लेम किया था कि ये नेशनल लेवल तक होस्ट कर सकता है, ऑल्दो आई डोंट नो कभी होस्ट किया कि नहीं। हाँ किया तो है वैसे, इंटर DPS टूर्नामेंट्स हुए हैं यहाँ पर क्रिकेट के। और हमारे समर कोचिंग कैंप्स मैंने तो 2 साल ही अटेंड किया, क्योंकि जब मैंने अटेंड किया उसके बाद से पता नहीं स्कूल ने बंद कर दिया। तो यहाँ पर क्रिकेट के कोचिंग कैंप्स होते थे, इस गेट से हम एंटर करते थे, उसके बाद कुछ इस तरह का ये पूरा ग्राउंड है। यहाँ हमने मैचेस देखे हैं, इस जगह पर बैठ के हमने गप्पे लड़ाई हैं, और इस एरिया को पेंट कर दिया गया वापस। काफ़ी सारी यादें हैं इस ग्राउंड के साथ। यहाँ बैठ के टीचर्स की, बाकी लड़के लड़कियों की चुगली करते थे। और ये सब बातें फ़नी हैं, ये सब बातें सबको अजीब लगेंगी, और अगर कोई स्कूल से देख रहा था मेरे लिए सॉरी, बट स्कूल लाइफ का पार्ट है, हर कोई करता है, कोई नई बात नहीं है। और ये देख लीजिए आप हमारा प्यारा सा क्रिकेट ग्राउंड, वहाँ बीच में जाके बहुत अच्छा लगता है, हालांकि मैं वहाँ तक जाऊँगा नहीं, पता चला किसी ने रोक लिया या फिर वैसे कोई रोकेगा नहीं। आखिरी बार स्कूल आए आज, किसी के अंदर दम है कि हमारे स्कूल को टूर करने से रोकने दो? तो ये क्रिकेट ग्राउंड से बाहर आ गए, और ये नई कैंटीन बनी है मिडिल विंग वालों के लिए, जहाँ पर हमें जाने नहीं दिया जाता था, जो कि सही है, कोई नहीं, उन बच्चों के लिए रिजर्व्ड है ये। उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल शॉट लेने की कोशिश करूँगा। ये हम आ गए हैं फुटबॉल ग्राउंड में, ये मिडिल विंग से जुड़ा हुआ था, ये बड़ी सी जो विंग आप देख रहे हैं, मिडिल विंग 6th, 7th, 8th, बहुत सारी यादें हैं। वहाँ से आते थे, पूरा दिन एथलेटिक मीट में यहाँ बैठे रहते थे, एथलेटिक मीट्स हो गई, ड्रिल्स हो गई, असेंबलीज हो गई, गेम्स पीरियड्स हो गए, फुटबॉल यहाँ पे बहुत खेला है। वहाँ पे दूर तक आपको ग्राउंड नज़र आएगा, इन बेंचेस पे बैठ के लंच किया है, दोस्तों से बातें की हैं, और कुछ इस तरह का सामने क्रिकेट ग्राउंड, ये एक लॉन है। उसके बाद यहाँ से चलते हैं वापस। ओके देन, वीडियो ज़्यादा स्टेबल नहीं आ रही, क्या मतलब ज़्यादा आइडिया नहीं है। ये ऑब्स्टिकल कोर्स है जो हमारे सामने ही बना है अभी लास्ट ईयर, और ये यहाँ पे नहीं है, वो थोड़ा क्रिकेट ग्राउंड के बगल में। फिर यहाँ पर ये है मिडिल विंग की कैंटीन, जो कि ऑनेस्टली मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये रही हमारी मिडिल विंग, यहाँ पर अभी लास्ट ईयर हमने एक वीडियो बनाई थी, तो किसी ने देखी नहीं होगी। फिर यहाँ पर ये रहा DPS रानीपुर का रिसाइक्लिंग प्लांट। हमारे स्कूल में जितनी भी स्टेशनरी है वो सब कुछ इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जितने भी ओल्ड पेपर है उसको ये लोग रिसाइकल करके फिर इसको ये लोग नए स्टेशनरी में कन्वर्ट करते थे। ये है मिडिल विंग का रास्ता, उसके बाद ये है जूनियर विंग, यहाँ भी काफ़ी प्यारी याद है क्योंकि हम बच्चे होते हैं उस टाइम, तो जितनी फन एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी लाइफ का फन होता है, वो एक्चुअली इसी एज में होता है जब आप 10 से 11 साल के होते हो। यहाँ भी काफ़ी यादें हैं, ऑब्वियसली मैं पूरी वीडियो में यही बोलता रहूँगा कि बहुत सी यादें हैं, और आप सुन सुन के पक जाओगे,
ये छोटा सा ग्राउंड, यहाँ पे हमने बैडमिंटन खेला है। यहाँ से एंट्री स्टेज की तरफ, सामने कैंटीन एरिया, फिर से ये हमारा जूनियर विंग, सामने प्राइमरी विंग। प्राइमरी विंग यानी कि सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास। और मैंने प्राइमरी विंग ही देखी है क्योंकि मैंने सेकंड क्लास में एडमिशन लिया था, तो उसके जूनियर क्लासेस तो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया स्कूल में, बट डेफिनेटली वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे ये एक नई चीज़ देख रहा हूँ मैं, वो ये है इन्होंने यहाँ पे क्या लगा दिया, आप खुद देख लीजिए। हमारे रहते रहते ये सब चीज़ें कभी नहीं हुई थी, अगर हमारे रहते रहते होती तो हम इंजॉय कहाँ करते। ये सब चीज़ें हमारे जाने के बाद ही हो सकती है। ये है कैंटीन एरिया, यहाँ से लड़के हाई कर रहे हैं, बोल रहे थे व्लॉग बना ले भाई, उनको क्या पता मैं ऑलरेडी सोच के आया हूँ, उनके आने से पहले मैंने रिकॉर्ड करना शुरू भी कर दिया था। ये है प्राइमरी विंग और यहाँ पर बहुत सारे स्विंग्स हैं बच्चों के लिए, काफ़ी अच्छा यहाँ पे लगता है। ये आ गए हैं बस एरिया में, यहाँ पे बहुत सारी बसें लगती थी। यहाँ से एक नज़ारा मिलता है बैम्बू गार्डन का, सामने कैंटीन अगर आप देख सकें, उसके बाद सामने हम जा रहे हैं बुद्धा स्टैचू की तरफ जो कि प्री प्राइमरी विंग और सीनियर विंग के बीच में पड़ता है। इसके बाद ये हम बुद्धा स्टैचू की तरफ चलेंगे। यहाँ पे ये रही प्राइमरी, सॉरी प्री प्राइमरी विंग, प्रेप जूनियर, प्रेप सीनियर, एंड यहाँ पर बैठ भी सकते हैं, पता नहीं जब मौका मिले बैठ सकते हैं हमेशा तो हम अलाउ नहीं करते थे। ये सामने सीनियर विंग का नज़ारा, मेरे साथ अभी यश भाई, कैसा लग रहा है स्कूल में भाई? यार बिल्कुल हार्ट ब्रेक सा हो रखा है यार, हार्ट ब्रेक हो रखा भाई, ऐसा लग रहा है फाइनली लास्ट टाइम। हाँ ये बता ट्रेन में चले गए बहुत सैड फीलिंग हो रही है आज, बहुत ज़्यादा सैड भाई। चलिए मैं तो दिख नहीं रहा, तो ऐसे हम जा रहा हूँ क्लासेस की तरफ। तो इस वक्त इसको 11th ही बना दिया गया है, बट एक्चुअली ये 12th ही हुआ करती थी जब हम यहाँ पढ़ते थे। तो हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। तो बाहर आ चुके हैं, अंदर मैंने बात नहीं करी, मुझे डर लगता है थोड़ा, स्कूल है तो स्कूल है ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि पास आउट करके तो सारा डर चला गया, डर कभी नहीं जाता। खैर जो मैंने अभी आपको क्लास दिखाई वो थी 12th A, जिसको अभी 11th A बना दिया गया है। जब से हम गए 6 महीनों में बहुत कुछ चेंज हो गया स्कूल में, पता नहीं चला। आई गेस 12th के सेक्शंस को आगे कर दिया गया यहाँ पर एकदम ग्राउंड के सामने, और अब हम चलेंगे गेट से बाहर प्रॉबेबली फॉर द लास्ट टाइम। अगर कभी कुछ अचीव किया तो शायद आ जाएंगे वापस स्कूल में एज अ गेस्ट, अभी तो फिलहाल जा रहे हैं वापस फॉर द लास्ट टाइम DPS रानीपुर। बहुत सारी यादें हैं, टू अटेन दाई हाइट्स, अभी देखते हैं कितने हाइट्स हम अपनी लाइफ में अटेन करते हैं। आई होप कभी ना कभी स्कूल में वापस आऊँगा, देखते हैं, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ऐसा कुछ करके हो स्कूल हमें थोड़ी सी इज्जत दे जैसे हमने इन्हें दिए बहुत ज़्यादा। खैर जो भी हो, अप्स एंड डाउन्स रहे स्कूल लाइफ में, स्कूल वाली लाइफ में, फिर भी लाइफ काफ़ी अच्छी रही। अभी वापस चलते हैं गेट से बाहर की तरफ। आ गए स्कूल के बाहर,
और आई डोंट नो कब जाएंगे वापस. मे बी टूर करने के लिए कभी आ जाएंगे. खैर ये पार्किंग पूरी खाली है अभी, क्योंकि बहुतों ने पहले अपनी मार्कशीट ले ली, बहुत लोग लेने आ रहे हैं धीरे धीरे. DPS रानीपुर फॉर द लास्ट टाइम, गुड बाय.